तो हे गाइस, आप लोगों को पता है अभी जो इंडियन मार्केट में जो सिम चल रहे हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, और साथ में अपना प्यारा बीएसएनएल। तो यहाँ पे जियो के बाद एयरटेल और वीआई ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, जैसा कि आपको पता है। और अगर जियो से कंपेयर करें, लाइक पहले अगर आप 1 साल का रिचार्ज कराते थे तो 2900 समथिंग में कराते थे, अब आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब 3600 में वो 1 साल वाला रिचार्ज होगा। और लोगों का सबसे प्रिय एक प्लान होता था 149, वो 20 डेज अराउंड देता था या 70 डेज देता था, बट वो अब 14 दिन का ही रह गया है। साथ में यहाँ पे अब जो 239 है ना, उसमें जो है आप लोगों को 2 GB पर डे ऐसा कुछ समथिंग देखने को मिलता था, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं उसमें। और 239 का अगर आप रिचार्ज कराते थे तो 5G अनलिमिटेड मिलता था, और 28 डेज का वो प्लान था, बट अभी 22 डेज का वो हो गया, और साथ में 1.5 GB हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली चीज़ है। लाइक अगर आपको अब आज के डेट में अनलिमिटेड 5G चाहिए तो कम से कम 2 GB पर डे वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा, और 2 GB पर डे वाला रिचार्ज का प्राइस है 349। तो 349 में आपको 28 डेज देखने को मिलेंगे, और 899 में आपको 90 डेज देखने को मिलेंगे। और अगर साल भर का कराते हो तो आपको 3599 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है प्लान। तो साथ में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का भी सेम ऐसा ही चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो सब अपना प्राइस जो है हाइक कर चुके हैं, और पहले के मुकाबले अब आपको अगर महीने भर का रिचार्ज करा रहे हो तो 50-60 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और साथ में साल भर का कराते हो तो आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। मैंने आपको शॉर्ट्स बना के बता दिया था कि 3 तारीख से पहले आप लोग रिचार्ज कर लोगे तो जो पुराना प्लान है वही चलेगा। तो आप लोगों ने कराया होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कराया तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपका साल भर का हो रखा है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग BSNL का क्या सीन है। लाइक अभी आज के डेट में मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि विद इन अ मंथ बहुत सारे मेजर सिटीज़, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में BSNL अपना 4G लॉन्च करने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है बहुत जगह में अभी 4G लॉन्च हो चुका है, बट उसमें स्वदेशी वाला नाटक चालू हो गया कि आप लोग जो है चाइना का प्रोडक्ट मत यूज़ करो, गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ करो। तो उसके चक्कर में ये जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और बहुत सारा आपको पता ही है पॉलिटिक्स वगैरह हुआ होगा। तो अब फाइनली यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी विद इन अ वीक 4G नेटवर्क चालू होने वाला है BSNL का, और यहाँ पे अभी सिर्फ 3G चलता है, बहुत अच्छा नहीं चलता इसलिए यूज़ नहीं करते। बट हाँ, मैं भी अभी भी प्राइमरी सिम मेरा BSNL ही है, और साथ में सेकेंडरी जियो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके एरिया में 4G है BSNL का, या फिर आपको पता चला है कि आने वाला है, तो अगर आपके पास BSNL सिम नहीं है तो आप पोर्ट करा सकते हो, क्योंकि 7 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। अभी 7 दिन बढ़ गए हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद और बढ़ जाए, बट अभी तो फिलहाल आपके पास है कुछ टाइम। तो अगर आप पोर्ट कराना चाहते हो तो करा सकते हो वही नंबर, या फिर नया सिम ले सकते हो अगर आप पोर्ट नहीं कराना चाहते। वैसे भी हर फोन डुअल सिम होते हैं, तो एक जियो एक BSNL आप चला सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा, लाइक जो जियो के सिम है वो कभी बंद नहीं होते हैं। लाइक मैंने ट्राई किए हैं, 3-3 महीने रिचार्ज नहीं किया, फिर भी ना उसमें OTP वगैरह आता है। तो मैंने मेन बैलेंस पहले करा रखा था एक टाइम में, जब उसमें एक प्लान आया था कि मेन बैलेंस कराना पड़ेगा अदर नेटवर्क के लिए, फिर कुछ दिन बाद उसको बंद कर दिया गया था। तो 50 रुपये मेरे पड़े हुए, और पता नहीं क्यों नहीं OTP वगैरह हमेशा आते हैं। मैंने 3-3 महीने रिचार्ज नहीं कराया है अपने जियो में, फिर 3 महीने बाद मैं करा देता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, कभी घर से बाहर निकलता हूँ तब, क्योंकि मेरे घर में ब्रॉडबैंड है BSNL का, और BSNL का ब्रॉडबैंड काफ़ी अच्छा है। लाइक 499 का प्लान है, और 600-700 रुपये कुछ बिल आते हैं, और बहुत अच्छा प्लान है, अनलिमिटेड रहता है हर चीज़, फुल स्पीड में चलता है नेट, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरे एरिया में उस टाइम BSNL का ही ब्रॉडबैंड था। तो अगर आपके घर में भी ब्रॉडबैंड है तो, और आपके आप अगर घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो आप अपने जो है ब्रॉडबैंड से ही अपना काम चला सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। और अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड नहीं है तो, और आप BSNL में अपना नेट चला सकते हैं, अपना रिचार्ज करवा सकते हैं। और BSNL एक ऐसा सिम है जो गवर्नमेंट का है, साथ में सस्ते प्लान्स आपको प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा सस्ते प्रोवाइड करता है। वो बात अलग है कि कहीं कहीं पर इसका नेटवर्क अच्छा नहीं होता, नेट नहीं चलता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर 4G स्टार्ट हो जाता है तो हो सकता है बहुत अच्छे इंटरनेट स्पीड आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पे अगर आप BSNL का सिम यूज़ करते हो तो आपके पैसे भी बच सकते हैं। वहीं पे अगर आप एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हो तब तो आपको पता ही है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जो है जियो से काफ़ी महंगे ही होते हैं, तो वो थोड़े और महंगे अब हो गए होंगे। तो अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट में कि कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं आपको,
और मैं जियो यूजर हूँ तो मुझे जियो का ज्यादा समझ में आ रहा है। आपको जो है कुछ दिन में, अगर आपके सिटी में 4G चालू नहीं हुआ है तो वो देखने को मिल जाएगा BSNL की तरफ से, और कुछ दिन में लाइक साल भर में 5G का भी प्लान ये लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, और आप लोग कमेंट करके बताओ कि अभी आप कौन सा सिम यूज कर रहे हो। अपन को क्या है, इंडियन सिम को सपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे, तो BSNL को थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा कि भाई कुछ तो हो रहा है। क्योंकि ये जो प्राइस हाइक हुआ है वो सीरियसली आपको पता है बहुत ही ज्यादा बेकार है। लाइक कई लोग तो बोल रहे हैं अंबानी अपने बेटे का शादी कर रहे हैं तो दहेज हम लोगों से ले रहा है। बहुत सारा सीन चल रहा है, बहुत सारा मीम है, आपको पता है चल रहा है मीम्स। तो ये सब आप लोग बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको। लाइक पहले आदत दिला दिया गया, उसके बाद अब जो है धीरे धीरे प्राइस बढ़ा दिया गया, और आज के डेट में लाइक आप लोग बोलोगे कि यूट्यूबर कोई वीडियो नहीं बना रहा है क्योंकि उसके वीडियोज कोई नहीं देखेगा, ऐसा ऐसा सीन है। बट ऐसा नहीं है, सिर्फ यूट्यूब नहीं, आज के डेट में हर चीज़ में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, हर स्टेप में इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इतना ज़्यादा हम लोगों को इंटरनेट का भूखा बना दिया गया है। लाइक आप कहीं जा रहे हो, कहीं का लोकेशन चाहिए, कहीं आप जा रहे हो, कुछ आपको सर्च करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन में है, कुछ प्रिंट आउट करना है, बहुत सारे ऐसे चीज़, बच्चों की पढ़ाई आजकल जो है फ़ोन में हो रही है, पेपरलेस दुनिया बन रही है स्मार्टफोन की वजह से, पेमेंट करना है तो फ़ोन से ATM पर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, घूमने की मोबाइल से ही कर लो हर चीज़। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया इस टाइम में, तो रिचार्ज कराना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके थोड़े बहुत पैसे बचे तो आप अपने एरिया में BSNL, अगर आपके एरिया में अच्छा चलता है, आप ट्रायल कर सकते हो नया सिम लेकर, या फिर दोस्त से पूछताछ करके फिर आप अपना जो है नंबर चेंज कर सकते हो, या फिर नया नंबर भी लगा सकते हो, क्योंकि डुअल सिम फ़ोन होते हैं आज के डेट में। तो बस मैं BSNL को सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया था, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए कुछ चीज़ें कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।